प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम सीख चुके हैं कौन कौन से एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, इन सब की वैल्यू की हमने एक टेबल बना ली थी। अभी अगर मान लो अभी आपने याद नहीं कर पाए हो वो टेबल, तो अभी हम देख देख कर वैल्यू डालेंगे जो क्वेश्चंस आएंगे, और फिर धीरे धीरे हमें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आर एस अग्रवाल की बुक में चैप्टर नंबर है 11 और उसकी एक्सरसाइज है 11। चैप्टर का नाम प्यारे बच्चों वहाँ पर गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। ये बुक जो मेरे पास है ये है 2019 एडिशन। ठीक, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30। जिसने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की है या लास्ट वीडियो नहीं देखा है उसको सारी बात ऊपर से जाने वाली है, इतने ऊपर से, और जिसने लास्ट क्लास देखी है, लास्ट वीडियो देखा है, उसको ये सारी बात समझ में आने वाली है। ठीक, कैसे करेंगे? बिल्कुल आसानी से, साइन 60 कॉस 30 कॉस 60 साइन 30। तो बस मुझे क्या याद होना चाहिए? वैल्यू। ठीक, और वैल्यू के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में टेबल बना के दी थी, वो टेबल आप खोल के रख लीजिए। ठीक है, अगर आपने नहीं याद किया है, ठीक, और मैं वैल्यू लिखता जाऊंगा और आप उसमें से चेक करेंगे। ठीक, साइन 60 की वैल्यू प्यारे बच्चों जो होती है वो होती है √3/2। ये आपने वहाँ देख लिया होगा। ठीक है, साइन में 60 डिग्री पर जाएंगे तो वहाँ पर क्या मिला हमें? √3/2। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे ऊपर भरोसा करो और इधर देखते रहो। cos 30 की वैल्यू प्यारे बच्चों जो होती है वो √3/2 होती है प्लस, ओके, cos 60 की वैल्यू प्यारे बच्चों जो होती है वो 1/2 होती है, ये मैंने टेबल में से देखा। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू भी मैंने टेबल में देखी, मुझे कितनी मिली? 1/2। ठीक, इसके बाद मैंने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है, √3/√3 3, 2/2 4, अच्छा 1/1 1 और 2/2 4। ठीक है, बिल्कुल आसान वाली बात है तो। अब 3 और 1 मिलकर कितना? 4, और 4/4 कितना? छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन ये तो, बड़े बच्चों वाले कुछ क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, अभी तो छोटे छोटे बच्चों वाले चल रहे हैं। कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री, इस तरह का क्वेश्चन आया हमारे सामने। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर देंगे। कॉस 60 की प्यारे बच्चों जो वैल्यू होती है ना वो 1/2 होती है ना, और कॉस 30 की प्यारे बच्चों वैल्यू होती है √3/2, है ना, ये टेबल में से देखा मैंने। अच्छा, इसके बाद साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2, और टेबल में जब मैंने साइन 30 की वैल्यू देखी तो वो मुझे मिली 1/2, है ना। अच्छा, इसके बाद सॉल्व करता हूँ, √3/1 √3, 2/2 4, अच्छा √3/1 √3, 2/2 4, और इससे ये कैंसिल, तो आंसर आ गया 0। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है ये तो, ये समझ आ रहा है आपको? ठीक, इसके बाद एक और आसान वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉस 45 डिग्री ठीक है कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, ठीक है, ऐसी बात, इसमें तो बस वैल्यू को पुट करेंगे आंसर ला देंगे। कॉस 45 जैसे ही मैंने टेबल देखी मुझे मिला 1/√2, और जब मैंने कॉस 30 को देखा तो ये मुझे मिला √3/2, और जब मैंने टेबल देखी साइन 45 के लिए तो मुझे क्या मिला? 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू मुझे मिली 1/2। धीरे धीरे मैंने वैल्यू को याद करना शुरू कर दिया है। ठीक, अच्छा, √3/1 √3, 2/√2 2/√2, ठीक है, अच्छा, प्लस 1/1 1 और 2/√2 2/√2, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर कितना आएगा? 2/√2, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा? √3/1, ये तो सबको आता ही है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ टेबल में से देख देख के और आंसर ला रहा हूँ, सिंपल मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, है ना। इसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन बढ़िया वाला है, साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री अपॉन
sec 60 डिग्री ठीक माइनस साइन 60 डिग्री अपॉन टेन 45 डिग्री ठीक है प्लस कॉस 30 डिग्री अपॉन साइन 90 ऐसा क्वेश्चन आया मेरे पास। ये ठीक लिखा मैंने क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन ठीक लिखा हुआ है। अब इसकी वैल्यू पुट करनी है कर देंगे। साइन 30 ये आपने मुझे बताया था 1/2 होता है और कॉस 45 आपने मुझे बताया था 1/√2 होता है ठीक है प्लस कॉट 45 की वैल्यू आपने 1 बताई थी और सेक 60 कितना होता होगा तो आंसर है ये हमारे पास होता होगा 2। सेक 60 कितना होता होगा 2 होता होगा ठीक है माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 और टेन 45 की 1 ये सब टेबल में से देख देख के लिख रहा हूँ मैं। अच्छा कॉस 30 की वैल्यू कितनी कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 ये मैंने ऐसा लिखा ये समझ आ रहा होगा आपको ठीक है। अब ये देखो ये माइनस की क्वांटिटी है और यही चीज़ कैसी है दिख रही है आपको माइनस की ये चीज़ और प्लस की ये चीज़ तो ये पूरी क्वांटिटी क्या कैंसिल आउट ये समझ आया होगा आपको ठीक। इसके बाद ये √2 यहाँ आ जाएगा √2 और ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा है ना और प्लस में क्या चल रहा है 1/2 ठीक है एलसीएम लिया तो कितना 2 और ऊपर क्या आ जाएगा √2 प्लस। बिल्कुल होशियार वाले बच्चे हैं बिल्कुल आसानी से हो जाएगा ये समझ आ रहा है आपको कोई डाउट नहीं ठीक आगे बढ़े। इसके बाद एक और आसान वाला क्वेश्चन देखता हूँ धीरे धीरे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन शुरू होंगे। देखो अब आया अच्छा सा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और अपॉन में उसने मुझसे कहा sin स्क्वायर 30 और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री ऐसा उसने क्वेश्चन दिया ठीक है। इसको करना देखो कितना आसान होता है। जब इस क्वेश्चन को हमने लिखा तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है 5 ठीक है फिर टेबल में से cos 60 की वैल्यू देखनी है ठीक है cos 60 की वैल्यू कितनी होती है तो वो हमने देखी वो हमें कितनी मिली 1/2 और उसका क्या चल रहा है तो इसका क्या लगाएंगे ये याद रखना ये समझ आया आपको ठीक। अब इसके बाद फिर से प्लस 4 ऐसे ही ठीक है sec 30 की वैल्यू मुझे सोचनी है तो वो मैंने देखी तो ये मुझे कितनी मिली 2/√3 और इसका क्या चल रहा है तो यहाँ पर मैंने लगाया ठीक बेटे। अब इसके बाद माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी अरे सर अभी याद नहीं किया आप बता दो 1 का स्क्वायर ये है ना अच्छा अपॉन में sin 30 की वैल्यू कितनी 1/2 और इसका स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर ठीक है और cos 30 की वैल्यू प्यारे बच्चों जो होती है वो √3/2 होती है लगाते जाएंगे जैसे जैसे याद होते जाएंगे आपको है ना। इसके बाद आगे कर लेते हैं 5 ऐसे ही ठीक है 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा 1/2 तो ऐसे ऐसे लिख दूं ठीक है प्लस 4 ऐसे ही ठीक है 2 का स्क्वायर 4 और अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 ठीक है चलो अभी ऐसा लिखता हूँ माइनस 1 अपॉन इन दोनों क्वांटिटी को सॉल्व कराइए हाँ प्लस ऐसा आ जाएगा ठीक है ये 4 जा क्या बना होगा 16 चलो लिखना पड़ेगा मुझे लिख देता हूँ 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 और अपॉन में ये सॉल्व कर लो 4 एलसीएम आएगा और 3 और 1 मिलकर क्या 4 ठीक है 4 से 4 ये हो जाएगा। अब ऊपर वाली क्वांटिटी तो बची तो इसका एलसीएम बताओ कितना आएगा 12 आएगा ठीक है यहाँ पर मैंने 12 लिखा 4 से डिवाइड किया 3 और 3 का 5 में मल्टीप्लाई 15 ठीक है 3 से डिवाइड किया 4 और 4 का इसमें मल्टीप्लाई 64 ठीक है और इसके नीचे अपॉन में क्या 1 से यहाँ पर 12 आएगा और 12 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा माइनस 12 इसको सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आएगा देखो 67/12 फाइनल आंसर ठीक है 67/12 तो ये आपने मुझे बताया ये आंसर आ जाएगा ठीक। तो क्या कर रहा हूँ मैं फिर से टेबल से बस वैल्यू याद होनी चाहिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए बस वैल्यू पुट करता जा रहा हूँ फिर उसके बाद तो प्लस माइनस करवा रहा है वो और तो कोई खास बात कर नहीं रही इसमें है ना। इसी तरह से एक और
आसान वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, 2 cos² 60 प्लस 3 sin² 45 माइनस 3 sin² 30। 3 sin² 30 प्लस क्या प्यारे बच्चों, 2 cos² 90। ऐसा क्वेश्चन आपने मुझे करने के लिए दिया, ठीक है। कितने आसानी से कर दूंगा देखना, यहाँ पर लिखूंगा 2 cos 60 की वैल्यू आपने मुझे बताई थी 1/2 और इसका स्क्वायर, प्लस 3 sin 45 की वैल्यू आपने मुझे 1/√2 बताई है और इसका स्क्वायर चल रहा है तो क्या स्क्वायर, ये मैंने टेबल में से देख कर लिखा अभी के लिए, ठीक है। माइनस 3 sin 30 की वैल्यू टेबल में देखी 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस 2 ऐसी, ठीक है। कॉस 90 की वैल्यू मैंने टेबल में देखी कितनी, 0 और इसका क्या है ना, ये समझ आ रहा है आपको, ये वैल्यू टेबल में से देख देख के लिखी और ये आंसर आया, ठीक। हर बार हमें इस टेबल में से देख कर नहीं लिखनी है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके याद कर लेनी है ना। अच्छा 2 ऐसे ही, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 3 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 माइनस 3, दिस इज 1/4 और दिस क्वांटिटी इज 0, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 2 से ये कैंसिल कर दूं, क्या बचेगा और क्या बचा माइनस, इसका एलसीएम कितना आएगा प्यारे बच्चों, 2 6 और माइनस कितना, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। आसान वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 cos² 30 डिग्री माइनस 3/4 sec² 45 डिग्री और प्लस में दे रखा है 1/4 cosec² 30 डिग्री, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आया, ओके। सबका ध्यान बोर्ड पर रहेगा, देखो कितनी आसानी समझ में आएगा। cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, cot 30 की वैल्यू कितनी होती होगी, √3 और इसका क्या चल रहा है स्क्वायर, माइनस 2 ऐसे ही, ठीक है। cos 30 कितना होता है, √3/2 इसका स्क्वायर माइनस 3/4 ऐसे ही, ठीक है। sec 45 कितना होता होगा, तो आंसर है √2 होता होगा इसका स्क्वायर, प्लस 1/4 cosec 30 कितना होता है, 2 इसका स्क्वायर। ये सारी वैल्यू मैंने टेबल में से देख कर लिखी और ये आंसर आए। अच्छा अब इसके बाद मैंने सॉल्व किया, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 × √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। माइनस 3/4 ऐसे ही, ठीक है। √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1/4 ऐसे ही, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि इससे ये कैंसिल हो रहा है ना, इससे ये कैंसिल हो रहा है और 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, क्या क्या बचा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3/2 बचा, यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 2 इसके नीचे अपॉन 1 और इसके नीचे अपॉन 1, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, -3 - 3 प्लस, ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर, 2/2 और आंसर कितना है ना, -3 - 6 बन जाएगा, इसे कैंसिल हुआ, 2/2 1 इस तरह से हो जाएगा। तो ये बाद वाली ये स्टेप तो बिल्कुल आसानी है, इसमें करने वाली चीज़ तो बस ये है कि बच्चे को अगर ये वैल्यू ना याद हो तो वो तो पहला स्टेप ही नहीं कर सकता, ये तो बाद में आते हैं। तो पहला स्टेप मेन ये है, तो मेन जो काम है इस एक्सरसाइज के लिए वो है वैल्यू याद करना। वैल्यू आप में याद है तो ये तो बिल्कुल आसान सी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। इसके बाद एक और आसान वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th, sin² 30 प्लस 4 cot² 45 डिग्री माइनस sec² 60 डिग्री, ठीक है, ये और cosec² 45 डिग्री into में चल रहा है क्या sec² 30 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक। अब मुझे टेबल में से देख देख के वैल्यू पुट करनी है, या मुझे याद हो चुकी हैं, sin 30 की वैल्यू मैंने याद कर ली, ये 1/2 होती है इसका स्क्वायर,
प्लस 4 ऐसे ही ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कॉट 45 की वैल्यू मैंने याद कर ली, 1 होता है, और सेक 60 कितना होता होगा, सेक 60 की वैल्यू 2 होती होगी क्या, इसका स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ पर मैंने लिख लिया। इसके बाद कोसेक 45 की वैल्यू मैंने लगाई, ये प्यारे बच्चों रूट 2 होती है, इसका स्क्वायर, और इनटू में क्या चल रहा है, सेक 30, सेक 30 कितना होता होगा, 2/√3, इसका स्क्वायर। ये वैल्यू मैंने देखी टेबल में से या मुझे याद हो गई है, ठीक। इसके बाद 1/4 प्लस 4 माइनस 4, ये सॉल्व हो गया, ये सब आता है आपको पहले से, और रूट 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और अपॉन में 3, ऐसा चल रहा है। अच्छा, इससे ये तो क्या बचेगा, 1/4, और इंटू में क्या और चल रहा होगा, 8/3, 4 से ये 2 टाइम कैंसिल, तो आंसर 2/3, ठीक बेटे, याद रहेगा आंसर, बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, वैल्यू याद होनी चाहिए, सारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं, ठीक। एक और आसान वाला क्वेश्चन देखते हैं, 9th, 4/cot²30° प्लस 1/sin²30° ठीक है, माइनस 2cos²45° माइनस sin²0°, ये सही लिखा मैंने, ठीक। इसको सॉल्व कराइए, 4/cot 30 की वैल्यू प्यारे बच्चों √3 होती होगी, है ना, इसका स्क्वायर, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर, ओके। इसके बाद माइनस 2 × cos 45 1/√2 होता है, cos 45 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर, और साइन 0 प्यारे बच्चों कितना होता है, 0, 0 का क्या स्क्वायर, ठीक। 4/√3 का स्क्वायर 3 प्लस 1/, ये कितना आएगा, 1/, वो 4 कहाँ चला जाएगा, नीचे 1 रह जाएगा, ठीक है, माइनस 2 ऐसे, ठीक है, √2 का स्क्वायर 2 यहाँ लिख लिया, अच्छा, और माइनस 0, ठीक। ये क्वांटिटी भी 1 बन गई, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, 4/3 प्लस 4 माइनस 1, ठीक है, 4/3, 4 माइनस 1 कितना, 3, ये ठीक लिखा। इसके बाद 3 जा 9 और 4 अपॉन, इसको आप कैसे भी सॉल्व कर लो, आपको जैसा ठीक लगता हो, बस मेन है वैल्यू याद करना, वो वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया, आंसर चेक करना है इसका, ठीक ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं। फर्स्ट इसमें कह रहा है शो दैट 1 − sin 60° अपॉन cos 60° इक्वल्स टू 10 60° माइनस 1/10 60° प्लस 1, ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आया है ना, तो इसमें हमें दोनों साइड में वैल्यू पुट करनी है और दोनों साइड इक्वल लाकर दिखानी है, ठीक है, तो लाकर दिखा सकते हैं, 1 − sin 60 की वैल्यू √3/2, ठीक। अच्छा, cos 60 की वैल्यू कितनी, cos 60 की वैल्यू 1/2, ये ठीक लिखा मैंने, 1/2, और अच्छा ये पहले एक साइड सॉल्व कर लेते हैं फिर दूसरी साइड कर लेंगे, अभी हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो LCM आएगा 2, इसके नीचे अपन 1 माना ना, LCM 2 आएगा, ठीक है, अब 2 × 1 = 2 माइनस √3 और अपॉन में 1/2, 2 से 2, तो फाइनल आंसर प्यारे बच्चों आपने मुझे निकाल के दे दिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, अगर न्यूमरेटर में रूट आ रहा हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में आ रहा हो तो उसे रैशनलाइज करते हैं, तो आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक तो ये ऐसा आ गया, न्यूमरेटर में आ रहा है ना, तो इसको ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब इसकी बात कर लेते हैं राइट हैंड साइड की, तो 10 60 की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी होती है, √3 माइनस 1, फिर से 10 60 √3 प्लस 1, है ना। तो अब इसमें क्या हुआ, नीचे रूट आ रहा है, तो रूट आता है तो क्या करते हैं, रैशनलाइज, अपने आंसर को कभी ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि नीचे रूट आ रहा हो डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो रैशनलाइज करना आप क्लास 9th में सीख के आए हो,
रूट थ्री माइनस वन, और यहाँ पर भी क्या रूट थ्री माइनस वन, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई है ना, ये आपने नाइन्थ में सीखा होगा। अच्छा यहाँ पर बना रूट थ्री माइनस वन, और रूट थ्री माइनस वन का क्या ये होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी आपने प्यारी वाली प्रॉपर्टी, कौन सी थी, ए प्लस बी ए माइनस बी, वो क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये नहीं आया समझ में, बिल्कुल आसान है। अच्छा इसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये होता है। और नीचे इस रूट से ये स्क्वायर कटा होगा क्या, थ्री, और माइनस में क्या, ठीक है। इसके बाद रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और वन, वन ठीक है, तो थ्री और वन मिलकर कितना फोर, माइनस में क्या चल रहा है, और अपॉन में क्या, अपॉन में थ्री माइनस वन कितना, ये ठीक लिखा मैंने, ये नहीं आया समझ में, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और वन का स्क्वायर वन, थ्री और वन मिलकर क्या लिख दिया फोर, और ये साथ में ये चल रहा है, और थ्री माइनस वन टू। अब बिल्कुल आसान सा एक स्टेप और कर रहा हूँ, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, हाँ क्या कॉमन आ रहा है, टू, तो बताना अंदर क्या बचेगा, हाँ और अपॉन में टू चला, टू से टू, तो फाइनल आंसर कितना, और यही तो हमें चाहिए था, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ी सी ये कैलकुलेशन है, इसको ध्यान से करेंगे, ठीक। तो ऐसा ये पहला क्वेश्चन आया जिसमें हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की और आंसर आ गया, ठीक। इसके बाद एक और आसान वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, टेंथ का सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट है प्यारे बच्चों, कॉस 30 प्लस साइन 60 1 प्लस साइन 30 प्लस कॉस 60, ये सब किसके इक्वल चल रहा है, कॉस 30 डिग्री के, ये हमें शो करना है कि ये इसके इक्वल होता होगा। चलिए करते हैं सॉल्व, कॉस 30 बताना कितना होता है, अरे कुछ तो बता दो, रूट थ्री बाय टू, हाँ रूट थ्री बाय टू, साइन 60 सर ये भी रूट थ्री बाय टू होता है, अच्छा वन प्लस साइन 30 वन बाय टू, और कॉस 60 ये क्या लेकर चले थे हम, ठीक है। इसको प्यारे बच्चों एलसीएम जब आपने लिया तो एलसीएम आया 2, और रूट थ्री और रूट थ्री मिलकर कितने, नहीं आया, देखो इन दोनों का एलसीएम 2 आया, और ये रूट थ्री और रूट थ्री मिलकर कितना 2 रूट थ्री, अच्छा अपॉन में यहाँ पर एलसीएम कितना 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस 1 2 से 2, तो क्या बचा हुआ रूट थ्री अपॉन, रूट थ्री अपॉन 1 ही तो बचा हुआ, अच्छा और इसको सॉल्व करो 2 कितना हो गया 4 और अपॉन, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और 1 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हुए होंगे, ठीक है 2 से ये कितना आंसर आएगा, और ये रूट थ्री बाई टू किसके इक्वल होगा, तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख देना, और अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो फिर लिखना क्या राइट हैंड साइड, उसमें कॉस 30 और कॉस 30 की वैल्यू कितनी, ऐसा ठीक है ना, तो ये वैल्यू आपने याद कर ली है, इसमें बस आप वैल्यू पुट करते जा रहे हो, थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हो ध्यान से, और आपके आंसर आते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, ये इक्वल है किसके, साइन 30 डिग्री के, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में साइन 60 की वैल्यू प्यारे बच्चों होती है रूट थ्री अपॉन टू, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है रूट थ्री अपॉन टू, ठीक है माइनस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है वन अपॉन टू, और साइन 30 वन अपॉन टू, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको जब हमने सॉल्व किया तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, और टू इंटू टू फोर, माइनस वन इंटू वन
वन और टू टू जा फोर, थ्री में से वन माइनस किया टू अपॉन फोर, तो आंसर कितना आया। और ये जो वन बाय टू है ये कब होता है, जब साइन 30 डिग्री होता है। तो ये सॉल्व हो गया। चाहे तो आप यहाँ पर साइन 30 RHS लिख कर वन अपॉन टू लिख सकते हैं, वो एक ही बात है। ठीक, ये प्यारे बच्चों आपका आ गया फर्स्ट पार्ट। इसके बाद सेकंड पार्ट जो हमें दे रखा है वो है cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री, ठीक है, ऐसा गिवन है। ठीक, इसके बाद प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री, ठीक है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू 1 बाय टू होती है और cos 30 की वैल्यू रूट 3 बाय टू, प्लस sin 60 जो होता है वो रूट 3 बाय टू होता है और sin 30 1 बाय टू। इसको सॉल्व किया हमने, रूट 3 इंटू 1 आया रूट 3, 2 इंटू 2 4, इसी तरह से ये क्वांटिटी भी सॉल्व होकर कितनी आई रूट 3 अपॉन 4। इसको सॉल्व किया तो 4 LCM आया और रूट 3 और रूट 3 मिलकर कितने रूट 3, 2 रूट 3, रूट 3 2 से ये कैंसिल, रूट 3 बाय 2। और ये जो रूट 3 बाय 2 होता है ये कब होता है, कॉस 30 डिग्री पर। यह हमें कॉस 30 डिग्री की को लाना था, ठीक, रूट 3 बाय 2 कॉस 30 पर होता है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, ये बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, ये सब कुछ इक्वल चल रहा है किसके, साइन 60 डिग्री के इक्वल प्रूफ करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेकर चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू प्यारे बच्चों 1 अपॉन 2 होती है और कॉस 30 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 होती है, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा रूट 3 अपॉन 2। और ये रूट 3 अपॉन 2 किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, साइन 60 डिग्री के। ये प्रूफ होता जा रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से एक और पार्ट कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट है इसका 2 साइन 45 डिग्री, अच्छा, और इन टू कॉस 45 डिग्री, ठीक है। ये किसके इक्वल, साइन 90 डिग्री के इक्वल हमें प्रूफ करना है, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले, लेफ्ट हैंड साइड में ये 2 ऐसे ही, ठीक है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2 और कॉस 45 की भी कितनी होती है 1 बाय रूट 2, ठीक है। तो इक्वल्स टू, ऊपर तो 2 आ गया और रूट 2 इंटू रूट 2 2, 2 से ये कैंसिल हुआ 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ठीक। तो ये बिल्कुल आसानी से प्रूफ होते जा रहे हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरह से एक और आसान वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ए इक्वल्स टू प्यारे बच्चों हमें गिवन है 45 डिग्री, ठीक है। तो हमें वेरीफाई करना है कि जो साइन 2a है, साइन 2a ये किसके इक्वल होता है, 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। बोर्ड पर ध्यान देंगे बिल्कुल आसानी समझ में आएगा, साइन 2a, साइन लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूँ पहले, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करनी है, साइन 2 ऐसे ही, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी है 45, ठीक है, ये मैंने a की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो साइन 2 इंटू 45 कितना 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होकर आंसर आ गया 1। ए की वैल्यू तो पुट की है यहाँ पे, 45 इंटू 2 90 और साइन 90 1, बिल्कुल आसान है। इसी तरह से अब हमने ले ली क्या, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है प्यारे बच्चों 2 साइन ए, ए की वैल्यू कितनी 45 और साथ में क्या कॉस 45, ठीक है, 2 ऐसे ही, ठीक है। साइन 45 जो होता है वो 1 अपॉन रूट 2 होता है और कॉस 45 भी 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो ये 2 आया और नीचे भी 2 आया, तो आंसर कितना, तो ये दोनों साइड सॉल्व हो गए। तो बस क्या करना होता है, जो वैल्यू ए की दी थी उसने वो वहाँ पर और पुट करते जाओ, आंसर आते चले जाते हैं। इसी तरह से एक और पार्ट देख सकते हो आप, ये वाला पार्ट, कॉस 2a इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और साथ में एक क्वांटिटी और दी है वो भी ऐसे ही हो जाएगी। देखिए सबसे पहले क्या लिया हमने,
लेफ्ट हैंड साइड, तो कॉस 2 ए की वैल्यू कितनी 45, ठीक है, कॉस क्या लिखूं बताओ 2 इंटू 45 90, और कॉस 90 कितना ऐसा, ठीक। अब हमने ली राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में 2 ऐसे ही ठीक है, कॉस 45 डिग्री है, और इसका क्या चल रहा है स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में क्या, ठीक, आगे सॉल्व करा 2 कॉस 45 होता है 1/√2, इसका क्या स्क्वायर और माइनस में 1, इसको आगे सॉल्व किया 2 ऐसे ही ठीक है, 1/√2 का स्क्वायर सॉल्व किया तो 1/2 और माइनस 2 से ये 2 और 1 - 1 0, ये दोनों साइड इक्वल प्रूफ हो गई, बिल्कुल आसान है। तो बस वैल्यू पुट करते जाइए, ए की वैल्यू जहाँ जहाँ ए है वहाँ 45 लिखते जाइए, और बस फिर आपको आगे वैल्यू याद होनी चाहिए जैसे कि कॉस 45 क्या होता है, तो आप आसानी से कर सकते हो। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 12, इसी तरह से हम कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13, उसमें ए की वैल्यू वो कह रहा है 30 पुट करनी है आपको, और ए की वैल्यू 30 पुट करके ये वेरीफाई करके दिखाओ कि जो साइन 2a होता है वो इक्वल होता है किसके, 2 tan a अपॉन में क्या 1 + tan² a, ये आप वेरीफाई करके दिखाओ, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से वेरीफाई, देखो कैसे होगा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में साइन 2a की वैल्यू कितनी 30 डिग्री, इसको सॉल्व करके क्या लिखोगे बताओ, हाँ 2 × 30 कितना 60 डिग्री, ठीक, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/a, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद राइट हैंड साइड ले लिया हमने, राइट हैंड साइड 2 ऐसे ठीक है, 10 ऐसे ही ठीक है, a 30 डिग्री रख दिया अपॉन में 1 + tan, फिर से a की वैल्यू 30 डिग्री और इसका क्या चल रहा है स्क्वायर, ठीक है, 2 tan 30 कितना होता है 1/√3, और नीचे 1 + tan 30 फिर से 1/√3 का स्क्वायर, ये ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना देखो कितना आसान है, 2/√3, अच्छा ये 1 तो ऐसे ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 1/√3 ऐसे तो आएगा, और ये सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा देखो 2/√3 ऐसे ही ठीक है, 3 × 3 और 1 कितना 4/, ये 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो कितना आएगा बताओ 3 × 2 आ रहा होगा ऊपर, और नीचे ये √3 और 4 आ रहा होगा, ठीक है, 2 से ये कितने टाइम और √3 से ये कितने टाइम, √3 टाइम, मतलब 3 को क्या लिख सकते हैं √3 × √3, 1 √3 कट गया होगा, क्या बचेगा √3/2, तो ये दोनों आंसर आपस में इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल आसान से चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास cos 2a, a की वैल्यू कितनी 30, ठीक है, अच्छा इसको आगे सॉल्व किया तो कितना आएगा cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है। अब हम लेकर चलते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लगा दीजिए 1 - tan² a, a की वैल्यू 30 और इसका क्या चल रहा है स्क्वायर, ऐसे 1 + फिर से 10 30 और इसका क्या चल रहा है स्क्वायर, बिल्कुल आसान सी बात, 1 - tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, फिर से 1 + tan 30 की वैल्यू 1/√3 इसका स्क्वायर, इसको आगे सॉल्व करिए 1 - 1/3 और नीचे 1 + 1/3 ये आ जाएगा, अच्छा इसको सॉल्व किया 3 × 3 - 1 2/3 और नीचे 3 × 3 + 1 4/3, 3 से 3 कैंसिल और 1 और ये 2 टाइम, तो आंसर कितना 1/2, ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसका एक और पार्ट है वो भी आपको करके दिखाता हूँ, थर्ड पार्ट है 10 2a इक्वल्स टू 2 tan a अपॉन 1 - tan² a, ठीक है,
करते हैं इसको प्रूफ। देखिए यहाँ पर 10 लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूँ, 2, ए की वैल्यू कितनी 30 डिग्री, तो यहाँ से ये सॉल्व होगा तो कितना आएगा बताइए, 10 60 डिग्री, और 10 60 की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी होती है, √3। ठीक है, अच्छा आप कौन सी वाली साइड लेकर चल रहे हैं, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में 2 इंटू 10 ए की वैल्यू 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 30 डिग्री, इसका क्या स्क्वायर, स्क्वायर चल रहा था स्क्वायर लगा दिया। ठीक, अब 2 इंटू 10 30 होता है 1 अपॉन √3, 1 माइनस 10 30 फिर से कितना 1 अपॉन √3, इसका क्या स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं, 2 अपॉन √3 ऐसे ही, ठीक है, इसके बाद देखिए 1 माइनस 1 अपॉन में क्या 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं 2 बाय √3 ऐसे ही, ठीक है, ये 3 बन जा 3, और 3 में से 1 माइनस किया तो कितना, यहाँ से क्या होगा प्यारे बच्चों, ये 3 तो यहाँ जाएगा और √3 इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, तो 2 से 2 और ये √3 से कितने टाइम, तो ये आंसर है ना। तो बस वैल्यू पुट करते जाइए, एंगल्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इसके बाद सिंपल प्लस माइनस रह जाता है और आंसर आ जाता है।